hello students welcome to rs group of school today's topic is the diversity in living organ organism in previous video we have discussed about the needs of classification of living organism classification of living organism basic of classification of living organism effect on the evolution in the classification uh, division of the different different classification of different orders uh, five kingdom classification on the basis of r h bitker okay so monera protista फंजाई प्लांटी एनिमिलिया दिस टॉपिक इंक्लूडेड इन अ इंक्लूडेड एंड एक्सप्लेन इन अ प्रीवियस वीडियो ओके सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव ग्रुप्स फर्स्ट वन इज द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेइडोफाइटा एंजियोइम एंड जिम्नोइम

ऐसे प्लांट्स जिनका स्ट्रक्चर ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये जो लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है थैलोफाइटा ठीक है आप ये देखिए कोई भी आप डायग्राम जब इसको हम देखेंगे कट कर करके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस क्या है ये लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ठीक है तो ये क्या कहलाते हैं थैलोफाइटा और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी में रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेशन नहीं होता है और इसमें आपके ज़्यादातर क्या आते हैं एलगी आते हैं ओके तो ये आपका जो एलगी जो है वो आपका किस ग्रुप में आएगा वो आपके प्लांट का थैलोफाइटा में आएगा ओके नॉन नेक्स्ट ब्रायोफाइटा In this group the plant's body is differentiated into stem and leaf like structure but there are no specialized structure for the conduction of water and other substance from one part of the plant body to the other these plants are called the amphibians of the plant kingdom this line is very most important for your upcoming exams in और नाइन्थ एंड एलेवेंथ क्लास बोथ बिकॉज दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन नाइन्थ स्टैंडर्ड एंड एलेवंथ स्टैंडर्ड ओके ये आपका जो टॉपिक है ये नाइन्थ में भी आता है और एलेवेंथ के भी, में भी दिया हुआ है इसलिए ये आपका क्वेश्चन जो है कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स प्लाट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमेशा ये पूछा जाता है कि आपको कौन सा ऐसा फाइलम है या कौन सा ऐसा जो जो इसमें जिसे आप एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं चलिए ब्राय फाइटर में क्या है कि प्लांट बॉडी जो होती है वो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो रियल में लीफ नहीं होती है ठीक है और इसमें क्या रहता है आपका कंडक्शन ऑफ वाटर यानी मीन्स जाइलम प्रेजेंट होता है ठीक है जाइलम इनमें प्रेजेंट पाया जाता है और ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा अर्थ पर ये फाइलम के प्लांट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसीलिए इस, इसको एम्फीवियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये आपके वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी पाए जाते हैं तो दोनों जगह इनका रहता है पहले ये वाटर में फ्लोट करते रहते हैं बाद में धीरे धीरे ये क्या करते हैं जैसे इनकी साइकिल चलती जाती है इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है ये धीरे धीरे डेवलप होके सॉइल से अटैच हो जाते हैं जो वाटर के किनारे सॉइल होती है और वहाँ पे अपने अपने आप को सर्वाइव करने लगते हैं इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ओके फॉर एग्जाम्पल मॉस मार्केशिया एंड रिक्सिया ओके तो ये इनका ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हो गए नेक्स्ट टाइडोफाइटा इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव्स एंड हैव एस्कुलर टिश्यू फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ द अदर कि इनकी जो बॉडी प्लांट की होती है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है बंडल मीन्स इसमें कैमियम जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है वाटर भी रहता है मीन्स ये ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डेवलप होते हैं ठीक है इसमें आपका आ जाएगा फर्न मार्शेलिया ठीक है और ये आ, आप ये जो नीचे दिया गया है ये तो एक्वेटिक इन्होंने डायग्रामेटिक दे दिया है लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो इस तरह का ये प्लांट आपने देखा होगा शो, शो पीस में इसको यूज करते हैं और ये मार आ, केंशिया भी ये आपका जहाँ पानी वगैरह रहता है वहाँ पे ये फ्लोट करते हुए साइड में कई सारे मिल जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया मार्शिलिया हो गया दिस वन इज द फन तो ये आपका टैडो फाइटा मोस्टली जो फर्न होते हैं वो आपके किस में आते हैं टैडो में आते हैं नेक्स्ट जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम मीन्स नेक्ट सीड ओके okay? दिस प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ट सीड ओके मीन्स जिमनोमीन्स नेक्ट एनिसमामीस सीड दे आर यूजली पेरिनियल एवरग्रीन एंड वूडी ये देखिए इसका फॉर एग्जाम्पल साइकस एंड पाइनस ये दोनों ही हिल एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं जबकि साइकस आपको अपने यहाँ नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एरिया में भी दिख जाएगा लेकिन पाइनस जो है ये आपके हिल एरियास में ही मोस्टली होते हैं ओके okay. इनकी जो सीड होती है उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है जैसे मैंगो वगैरह होते हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है लेकिन इनके उसमें नहीं होती है देखिए जैसे ही लगे हुए हैं ना ये कौन लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पर इसमें सीड लगे हुए हैं ओपन अगर हवा आती है हवा चलने के बाद में इनकी सीड एकदम बिखर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो ये आपका क्या हो गया जिम्नो में आते हैं पाइनस है जो कि जिम्नो में आते हैं जैसे इनका जर्मिनेशन होता है इस फाइलम के प्लांट्स का ओके नौ लास्ट वन इज अन्जियो इसफम गेम्स कहते हैं नहीं तो जितने भी नॉर्मल प्लांट्स हमारे आसपास हैं जो भी हैं वो सब किस में आएंगे एनजियो में द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बेयर कवर्ड सीड मींस मतलब कवरिंग ऑफ द सीड इज प्रेजेंट दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स ओके द प्लांट एम्ब्रियो इन सीड हैव कॉटी लीडंस मीन्स इनका जो आ, आपका फ्ला, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये मैंने अभी आपको बोला कि आसपास के जितने भी प्लांट्स हैं जो भी आपके हैबिकस हो गया रोज हो गया और मैंगो हैं ये सब जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे आपके एनजीओ में आएंगे इनमें सीड के ऊपर कवरिंग भी होती है और इनके जो सीड होते हैं वो अगर सिंगल सीड है तो आपका मोनोकॉटी और टू सीड्स में डिवाइडेशंस से तो डाईकॉटिलिडेंस होते हैं अब मोनोकाटिलिडेंस में आपका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें राइस भी आता है वीट भी राइस भी आपका एक ऐसे रहता है वीट भी आपका यही रहता है मेस ये सब आते हैं ग्रीन फार्म ग्राम और पीस वगैरह इसमें आ जाते हैं ठीक है अगर हम डाई की बात करते हैं डाईकॉटिलीडेंस में यानी ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इसका जो सीड होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है डाई मीन्स टू तो इसमें ग्रीन आपका आ जाएगा पी uh, आ जाएगा तो ये सब ग्राम्स जो होते हैं वो आपके इसमें आ जा, जा आ जाते हैं जो जैसे आप आ, चना है चना को क्या होता है अंकुरित किया जाता है पहले वो सिंगल रहता है कवरिंग में लेकिन जब उसको अंकुरित करते हैं या उसके ऊपर की लेयर हटाते हैं तो हमें उसके इस तरह से दो सीट्स दिखाई देते हैं तो ये क्या हुआ जाके दो सीट यानी डाई कॉटी लीडर्स ठीक है तो ये आपका डिवाइडेशंस पूरा हुआ जाके प्लांट्स का ठीक है थैंक यू